आज हम लोग श्वसन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, क्या पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर सी, पत्ता में। नेक्स्ट सवाल है, क्या पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए, रंध्र द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, क्या स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 10x पर। नेक्स्ट सवाल है, क्या इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ऑप्शन नंबर बी, अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट सवाल है, क्या पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। नेक्स्ट सवाल है, क्या श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट सवाल है, क्या निम्न में से ऐसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में इसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ATP को। नेक्स्ट सवाल है, क्या मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट सवाल है, क्या पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा देता है, यह प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट सवाल है, क्या तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, 10। नेक्स्ट सवाल है, क्या कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। नेक्स्ट सवाल है क्या श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निकसित होता है? ऑप्शन नंबर ए, 20%। नेक्स्ट सवाल है, क्या मानव में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट सवाल है, क्या दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? ऑप्शन नंबर ए, किण्वन। नेक्स्ट सवाल है, क्या कीटों के प्रमुख श्वसन अंग है? पंद्रह का बी, ट्रैकिया। नेक्स्ट सवाल है क्या ATP में फॉस्फेट की संख्या होती है? ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट सवाल है, कि मछली या मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है? ऑप्शन नंबर सी, गिल्स। नेक्स्ट सवाल है, क्या स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में। नेक्स्ट सवाल है, क्या ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है? ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव में। नेक्स्ट सवाल है, क्या टिड्ढा और तिलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर बी, ट्रैकिया द्वारा। नेक्स्ट सवाल है क्या किस प्रकार के श्वसन से क्रिया ऊर्जा अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए, वायवीय। नेक्स्ट सवाल है, क्या अमीबा और पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट सवाल है क्या श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ है? क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पायरोविक अम्ल। नेक्स्ट सवाल है, क्या एक फॉस्फेट जो ATP में रहता है उसके टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। नेक्स्ट सवाल है, क्या ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलने की कार्य कोशिका किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट सवाल है क्या मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा में। नेक्स्ट सवाल है, क्या ग्लूकोज के एक अणु के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर सी, 2830 किलो जूल। नेक्स्ट सवाल है, क्या ग्लूकोज के एक अणु के किण्वन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर डी, 25 किलो कैलोरी। नेक्स्ट सवाल है, क्या किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर सी, कछुआ द्वारा। नेक्स्ट सवाल है क्या स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए, द्वारकंद कोशिकाएं। नेक्स्ट सवाल है, क्या मानव में ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए, 11 सेमी। नेक्स्ट सवाल है, क्या रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण पर। नेक्स्ट सवाल है क्या पौधों में किस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? ऑप्शन नंबर सी, विसरण द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, क्या पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी, पेशीय कोशिका। नेक्स्ट सवाल है, क्या अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट सवाल है क्या क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट सवाल है, क्या पादप में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है? ऑप्शन नंबर सी, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट सवाल है, किसको कोशिका ईंधन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज को। नेक्स्ट सवाल है क्या श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तन। नेक्स्ट सवाल है, क्या तिलचट्टे के रक्त को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, हीमोलिप्स। नेक्स्ट सवाल है, क्या केचुआ का श्वसन अंग है? ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। नेक्स्ट सवाल है, क्या आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध न होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट सवाल है क्या किस प्रक्रम द्वारा रंध्र में O2 और CO2 का विनिमय होता है? ऑप्शन नंबर बी, विसरण द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, क्या निश्वास द्वारा निकली वायु में होता है रहती है? ऑप्शन नंबर सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल है, फेफड़ों में प्रवेश करने वाली पतली नलिकाओं के सिरों पर पाए जाने वाली गुब्बारों जैसी रचना कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी, कूपिकाएँ। नेक्स्ट सवाल है, क्या
नेक्स्ट सवाल है, क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी किण्वन। नेक्स्ट सवाल है, क्या मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी 12 जोड़ी। नेक्स्ट सवाल है, क्या श्वसन क्रिया में किस गैस को ग्रहण किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी O2। नेक्स्ट सवाल है, क्या रक्षी कोशिकाएँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी पत्तियों में। नेक्स्ट सवाल है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर बी श्वसन। नेक्स्ट सवाल है, क्या वाष्पोसर्जन कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर बी भौतिक। नेक्स्ट सवाल है, क्या अनॉक्सी श्वसन में कितना ATP बनता है? ऑप्शन नंबर A 2। नेक्स्ट सवाल है, क्या मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है? ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा। नेक्स्ट सवाल है, क्या श्वसन 1 मिनट में होता है? ऑप्शन नंबर सी 14 से 16 बार।